हमने पिछले वीडियो में क्या किया था, डीओएल स्टार्टर का टर्मिनल फाइंड आउट किया था, ठीक है। तो अब इस डीओएल स्टार्टर का टर्मिनल फाइंड आउट कर लिया, अब इसके बाद क्या करेंगे कि ये डीओएल स्टार्टर का कनेक्शन करके हम लोग ये मोटर को चालू करेंगे। ये मोटर दिखाई दे रहा है 3 फेज इंडक्शन मोटर, ये 3 तार निकला हुआ है, ठीक है, और ये इस मोटर का कनेक्शन हम लोग करेंगे। तो इस 3 फेज मोटर में ये 3 तार निकला हुआ है और यहाँ पैनल से जुड़ा हुआ है। तो सबसे पहले इस हम लोग डीओएल स्टार्टर का कनेक्शन करेंगे, ठीक है। तो इस डीओएल स्टार्टर का ढक्कन तो हटा दिया, अब यहाँ देख रहे हैं कि ये सब खुला हुआ है, अलग अलग तार है, यहाँ कोई कनेक्शन नहीं किया। ये केवल 2 गो NVC का टर्मिनल, और ये जो पिछले वीडियो में हम लोग ने बनाया चेक किया था कि ये 2 गो टर्मिनल NO का है और ये NC का है, ठीक है, ये NC है और ये NO है, ठीक। और इसका कनेक्शन करेंगे तो सबसे पहले हम लोग पहले एक सर्किट डायग्राम बना करके देख रहे हैं कि जैसे कंट्रोल सर्किट, DOL स्टार्टर का कंट्रोल सर्किट, ठीक है, DOL स्टार्टर। अच्छा, इसके पहले में हम लोग बार बार DOL बोल रहे हैं, ठीक है। तो इस DOL स्टार्टर का पूरा नाम क्या होगा, थ्योरी में हम लोग पढ़े थे डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर, क्या होगा, डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर। तो इसका पहले कंट्रोल सर्किट बनाएंगे, कंट्रोल सर्किट। तो कंट्रोल सर्किट में यहाँ हम लोग ये टर्मिनल फाइंड आउट किए थे, तो टर्मिनल फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पहले NC था, ठीक है, NC यानी कि दोनों क्लोज है सर्किट, और पुश करने के बाद ओपन हो जाएगा। अब इसके बाद थर्मल ओवरलोड रिले, तो थर्मल ओवरलोड रिले भी क्या होगा, क्लोज होगा, और इसका सिंबल इस तरह से बनेगा। फिर इसके बाद यहाँ जो है एक्जुलियरी कंटेक्ट, तो एक्जुलियरी कंटेक्ट भी ओपन रहता है, और इसके पैरेलल में हम लोग क्या करते हैं NO, ठीक है, यहाँ से टर्मिनल उठाएंगे और इसके बाद यहाँ पुश बटन एक लगेगा जो कि ओपन रहेगा, और पुश करने के बाद क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। और इस तरह से दोनों को पैरेलल में कर दिए। अब इसके बाद आगे जो ले जाएंगे यहाँ से तार, ये क्या जोड़ देंगे यहाँ से NVC का सिंबल इस तरह से, और यहाँ एक टर्मिनल इधर से और एक टर्मिनल इधर से निकाल देंगे। अब यहाँ NVC के ऊपर डिपेंड करेगा कि ये कितने वोल्टेज का है, ठीक है। NVC जो सिंगल फेज 220 वोल्ट का है तो सिंगल फेज न्यूट्रल देंगे, ये जो 440 वोल्ट का है तो इसके लिए डबल फेज। तो डबल फेज ऐसे ज़्यादातर 3 फेज मोटर में डबल फेज से ही चलता है, तो L1 और L2। तो इस तरह से कनेक्शन करेंगे, तो यहाँ देखेंगे कि ये क्या है NC और ये क्या है थर्मल ओवर लोड रिले TOLR, ठीक है, और ये क्या है NO यानी कि ऑन पुश बटन, इसको क्या कहते हैं ऑन पुश बटन, पुश बटन। और ये क्या है एक्जुलियरी AU एक्जुलियरी कंटेक्ट, ये NVC, और ये क्या है इसको पुश करने के बाद ऑफ हो जाएगा, ठीक है, ऑफ पुश बटन, ठीक है। इस तरह से हमने ये सर्किट देखा। अब इस सर्किट को थोड़ा सा एक बार ऐसे देख लो सीधा से, ठीक है, तो इस तरह से कनेक्शन अब हम लोग करके देखेंगे, ठीक। तो यहाँ चल रहे हैं ये DOL स्टार्टर के पास, तो DOL स्टार्टर में ये अलग अलग टर्मिनल जो हम लोग फाइंड आउट किए थे, तो अब इसका हम लोग कनेक्शन करके देखेंगे। तो कनेक्शन करने के लिए ये तो सबसे पहले इस टर्मिनल पे हम लोग क्या कर लेंगे, यहाँ से सप्लाई निकाल लेंगे, ठीक है। तो यहाँ लगा करके तार को टाइट कर लेंगे, लग गया, फंस गया, और फंसने के बाद इसको स्क्रू को टाइट कर लेंगे, और यहाँ से डायरेक्ट हम लोग क्या निकाल लेंगे सप्लाई के लिए L1। फिर एक आगे वाला ये टर्मिनल है, इसका दूसरा टर्मिनल लगाएंगे, और दूसरे टर्मिनल लगाने के बाद फिर ये कहाँ ले जाएंगे अगला, ये जो NC टर्मिनल है, NC का 2 टर्मिनल, और NC के बाद ये सीधा कहाँ चला जाता है NO के पास, ठीक है। तो NO का ये टर्मिनल है तो इसमें लगा लेंगे, और NO का एक टर्मिनल फिर कहाँ जाएगा, ऊपर से जोड़ दो या नीचे से, तो ऊपर से ही जोड़ देते हैं। और इसका एक टर्मिनल कहाँ चला जाएगा एक्जुलियरी कंटेक्ट के पास, ठीक है, इसका एक टर्मिनल एक्जुलियरी कंटेक्ट। तो यहाँ से एक तार लेंगे, और फिर ये तार लेने के बाद यहाँ से यहीं से निकालेंगे इसका, क्योंकि पैरेलल में जुड़ा हुआ रहता है एक्जुलियरी और NO, नॉर्मली ओपन और एक्जुलियरी आपस में कैसे जुड़ा रहता है पैरेलल में, तो इसको पैरेलल में जोड़ना होगा। और एक टर्मिनल तो इसका जुड़ा हुआ है, इसका एक्जुलियरी का, और एक इसका जुड़ा हुआ है, और जुड़ने के बाद फिर ये कहाँ जुड़ लेंगे इसको,
ये एक्जुलरी कंट्रैक्ट के कंट्रैक्टर में, ठीक है, ये जुड़ गया। और ये एनवीसी का टर्मिनल है, तो एनवीसी का टर्मिनल क्या लेंगे, ये इसके टर्मिनल पे, यानी कि जो एनओ का पुश बटन है, यहाँ लेकर के इसको जोड़ लेंगे। और जोड़ने के बाद इस स्क्रू को टाइट कर देंगे अच्छा से। हो गया, अब एक टर्मिनल यहाँ मिल गया और एक टर्मिनल यहाँ, ठीक है। तो ये दो टर्मिनल को हम लोग सप्लाई देकर के चेक करेंगे, और चेक करने के बाद यहाँ से, तो पहले हम लोग इसको परिपथ को चेक करने के लिए हम लोग ये सप्लाई सिंगल फेज से चेक कर ले रहे हैं, ठीक है। और यहाँ ये डिपेंड करेगा एनवीसी पर, तो यहाँ एनवीसी देख रहे हैं कि ये जो वोल्टेज रेटिंग है इसका 500 वोल्ट एसी है, ठीक है, 500 वोल्ट एसी। तो ये सिंगल फेज पे उतना तो काम नहीं करेगा, लेकिन ये सिंगल फेज में हम लोग पहले सर्किट को चेक कर लेते हैं सीरीज में, तो ये सर्किट हमारा सही है कि नहीं है। तो यहाँ ये तार को जोड़ लेते हैं, तभी उसके बाद ऑन करेंगे, ठीक है। इस तार जो सप्लाई आया है ये टप प्लग में जोड़ लेंगे, और जोड़ने के बाद यहाँ इस सीरीज टेस्ट लैंप, यानी कि सिंगल फेज जो सीरीज टेस्ट लैंप हम लोग बनाते हैं उस तरह से उसको चेक कर लेंगे। तो इसमें सीरीज टेस्ट लैंप में लगाएंगे, और लगाने के बाद यहाँ पुश करके देखेंगे, ठीक है। तो इस बटन से हमारा मोटर ऑन होता है, तो इस बटन को चालू करेंगे। तो ये देखिए, ये आवाज़ आ रहा है, ठीक है। और इसको थोड़ा सा सहारा दे देने के बाद, क्योंकि वोल्टेज कम मिल रहा है सीरीज में, ये उठ गया, छोड़ देंगे। और इस बटन को दाबेंगे, ऑफ हो जाएगा। तो अभी इसको हम लोग सीरीज में दिया, फिर सिंगल फेज यानी कि 220 वोल्ट सप्लाई देकर के इसको देख रहे हैं, ठीक है। तो उधर वाला जो सॉकेट होगा हमारा सप्लाई का, और यहाँ पुश करेंगे। पुश करने के बाद यहाँ देख रहे हैं कि अभी भी इसको वोल्टेज कम ही मान रहा है। इसको यहाँ जो लिखा हुआ है 500 वोल्ट, आज हम लोग दे रहे हैं सिंगल फेज 250 वोल्ट, तो ये काम नहीं करेगा, थोड़ा सा इसको सहारा देना पड़ता है, ठीक है। और सहारा देने के बाद ये उठ गया, और फिर इसको पुश करेंगे, बंद हो गया, ठीक है। फिर इसको पुश करेंगे ऑन को, तो पुश करने के बाद ये ऑन होगा, और इस तरह से मैग्नेट को कर लिया। फिर इसके बाद ये पुश करेंगे, ऑफ हो गया। तो इस तरह से हमने ये अभी तो हम लोग कंट्रोल सर्किट किया। फिर अभी मोटर को चालू करने के लिए तीन फेज ये जो तार दिखाई दे रहा है, इस तीनों में इनपुट करेंगे सप्लाई को, और यहाँ से ये जो मोटर का टर्मिनल ये जो नीचे गया है इस पैनल में, और यहाँ से इसको जोड़ना होगा, ठीक है। तो यहाँ अभी ये हम लोग इसको सिंगल फेज जो है इसको तो निकाल लेंगे, और निकालने के बाद ये थ्री फेज यानी कि मोटर जो है, ये तो अभी हम लोग पावर सर्किट को चेक किए हैं, ठीक है। तो पावर सर्किट यहाँ तो सही है। फिर इसके बाद आगे हम लोग करेंगे इसका थ्री फेज सप्लाई दे करके मोटर का कनेक्शन कर लेंगे, ठीक है। तो थ्री फेज मोटर के लिए तो थ्री फेज सप्लाई ही चाहिए। तो इस तरह से यहाँ, चलो ये इसको जोड़ो इसमें, तो तीनों इसमें जोड़ो, इन करो, ठीक है, टाइट। एक काम करो, इसमें जैसे कि L1 है तो L1 को इसमें जोड़ना होगा, क्योंकि डबल फेज इसको सप्लाई चाहिए, तो यहाँ इसकी साथ में जुड़ेगा। चलो स्क्रू टाइट करो इसको। तो L1 में इसमें जोड़ दिए। फिर एक जो कंट्रोल सर्किट का है दूसरा, ये L2 में कहीं जोड़ना होगा, ठीक है। तो L2 में कहीं पीला वाला में जोड़ दो, चाहे लाल वाला में जोड़ दो, इसको स्क्रू ढीला करो। स्क्रू ढीला करने के बाद एक तार इसको और जोड़ लो इसमें, क्योंकि ये सप्लाई देना होगा कंट्रोल सर्किट को। तो कंट्रोल सर्किट कोई भी दो से फेज से चलता है, ठीक है। और ये हो गया, और एक थ्री फेज वाला इसमें जोड़ दो, ये थ्री फेज वाला इसमें हम लोग जोड़ लेंगे। यानी कि तीनों फेज जो हम लोग का ये कंट्रेक्टर, मेन कंट्रेक्टर सप्लाई से आ गया, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ एक ये आ गया, तो ये तो खाली है, तो इसमें जोड़ देंगे, क्योंकि ये तार छोटा था इसलिए एक अलग से तार जोड़ना पड़ता, नहीं तो डायरेक्ट इसको भी हम लोग यहाँ जोड़ सकते थे। तो अब ये हम लोग का पावर इन हो गया, ठीक है। अब यहाँ से पावर कंट्रेक्टर से आउट करना होगा, तो इसमें तीनों में जोड़ेंगे, ये इसमें और इसमें, अलग अलग तीनों में जोड़ देंगे, ठीक है।
नीचे से जोड़ो, आसानी से हो जाएगा। ये नीचे से जोड़ना होगा, ठीक है, स्क्रू ड्राइवर। ये नीचे से इसको जोड़ेंगे और स्क्रू जो है ढीला रखेंगे। स्क्रू को पहले ढीला करो, देखो स्क्रू ढीला है, आसानी से लग गया। अब इसको स्क्रू को टाइट कर लेंगे। चलो छोड़ो, तो ये स्क्रू को पहले ढीला करेंगे, इसको ढीला करने के बाद और ये इसमें लगाना होगा, और लगाने के बाद स्क्रू को टाइट कर लेंगे। यानी कि ये कंटेक्टर का जो आउट वाला जो टर्मिनल है, आउट वाला टर्मिनल से मोटर के टर्मिनल को जोड़ देंगे। ये दो को हो गया और ये तीसरा, इसको भी जोड़ना होगा इसमें। तो तीन टर्मिनल जो इन वाला मेन कंटेक्टर जो होता है, इसको तीनों से बारी बारी से जोड़ देते हैं। ऊपर से सप्लाई दे दिए और नीचे से मोटर का टर्मिनल को कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमें कनेक्शन तो हो गया। कनेक्शन होने के बाद फिर इसको मेन एमसीबी से ऑन करेंगे, ठीक है। एमसीबी ऑन करने के, तो अभी हमने ये थ्री फेज सप्लाई जो है मोटर का पैनल से ये जोड़ दिया और ये अंदर से आकर के मोटर में जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो अब इसके बाद ये हम लोग एमसीबी को ऑन करेंगे। ऑन करने के बाद ये सप्लाई दे करके इसमें चेक कर लेंगे। जैसा कि इसमें अभी सर्किट में हम लोग देख रहे हैं कि ये थ्री फेज है, थ्री फेज से थर्मल आईसीटीपी स्विच जो दिया हुआ है, तो आईसीटीपी स्विच मेन और ये मेन कंटेक्टर से होकर के आ गया सीधे मोटर में। ये तीनों तार आ गया मोटर में, ये भी आ गया इसमें से होकर हुए मोटर में, ठीक है। अब इसके बाद ये जो कंट्रोल आएगा, तो कंट्रोल सर्किट के लिए हम लोग इधर देखे थे कि L1 ये किससे आ जाएगा, इस टर्मिनल से, और फिर ये आएगा थर्मल ओवरलोड NC से, ये ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट, और ये NO पैरेलल में जोड़ दिया गया, और इसके बाद NVC L2 में जोड़ दिया गया। तो इस तरह से कनेक्शन हमने कर चुका है। तो अब इसके बाद यहाँ हम लोग थ्री फेज सप्लाई दिया, फिर ऑन करेंगे, यहाँ ऑन करना होगा, और ऑन करने के बाद देखेंगे हम लोग ये सप्लाई आ रहा है कि नहीं, ठीक है। तो ये ऑन हो गया, और ऑन होने के बाद यहाँ देख रहे हैं ये लाइट जल रहा है, ठीक है। इसके बाद ये पुश बटन दबाना होगा, तो पुश बटन यही है ऑन करने के लिए, हो गया ऑन। और इसको देखिए ये मोटर घूमने लगा, ठीक है, इस तरह से मोटर घूम रहा है, ठीक, आवाज़ भी कर रहा है यहाँ। तो फिर बंद करना होगा, तो इस पुश बटन को स्टार्टर के पुश बटन से यहाँ पुश करेंगे और मोटर क्या होगा, बंद होगा। देखिए बंद हो गया मोटर, मोटर क्या होगा, बंद हो गया, रुक गया, ये टर्मिनल, ये जो पुली है रुका हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से अब फिर इसका ढक्कन लगा करके हम लोग एक बार देखते हैं मोटर को कैसे घूम रहा है, ठीक। इस DOL स्टार्टर का ढक्कन तो हमने लगा दिया, और लगाने के बाद यहाँ देख रहे हैं थ्री फेज ये सप्लाई से ये वोल्टेज दिखा रहा है पैनल में, और ये इंडिकेट कर रहा है कि फेज आया हुआ है, ठीक है। तो इस मोटर को चालू करने के लिए ग्रीन बटन, स्टार्टर का ग्रीन बटन दबाते हैं, तो ये ग्रीन बटन दबाएं, दबाने के बाद ये देखिए मोटर घूमने लगा, ये मोटर घूम रहा है, ठीक है। तो फिर इसको बंद करने के लिए इस स्टार्टर का रेड वाला बटन दबाएंगे, देखिए मोटर बंद हो गया ये, ठीक है, ये मोटर बंद हुआ है। फिर से इसको चालू कर रहे हैं अभी यहीं पे, ठीक है। देखिए ध्यान से इस स्टार्टर के पुश बटन दबाएंगे और मोटर चालू हो गए, ठीक है। स्टार्टर के ये हरा बटन यहाँ दबाएं और ये मोटर चालू हो गया, देखिए घूम रहा है मोटर। तो फिर इसको स्टार्टर के इसको दबाएंगे, हरा वाला बटन, लाल वाला मोटर बंद हो जाएगा, ये दबा दिए। फिर इसके बाद देखिए मोटर धीरे धीरे रुक गया, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग का ये प्रैक्टिकल हुआ DOL स्टार्टर का कनेक्शन, DOL स्टार्टर के द्वारा थ्री फेज इंडक्शन मोटर को चालू करने के लिए, ठीक है।